एकुंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर शेयर कैपिटल, दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब शेयर कैंसिल करना। शेयर कैंसिल कब करते हैं? जब किसी शेयर होल्डर ने कोई किश्त नहीं पे करी। तो आपको पता ही है, पहली किश्त को एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अगली किश्त को फर्स्ट कॉल एंड उससे अगली किश्त को फाइनल कॉल कहते हैं। एक हम सिचुएशन वन ले रहे हैं, मिस्टर किंग्सी जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 700 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और कंपनी ने क्या करा, साथ ही शेयर कैंसिल कर दिए, फाइनल कॉल का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, मींस मौका कहाँ तक दिया, सिर्फ यहाँ तक। मींस किंग्सीज ने 700 शेयर्स खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, उसने अलॉटमेंट वाली किश्त नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल वाली किश्त नहीं पे करी, फिर फाइनल कॉल का कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फाइनल कॉल का तो मौका ही नहीं दिया। मींस उसको मौका यहाँ तक मिला, जहाँ तक मौका मिला होगा वहाँ पे आपने बिग ब्रैकेट डाल देनी है। अब हमने जनरल एंट्री कैसे डालनी है? इशू करने के दौरान आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते थे, जब आप राइट ऑफ करेंगे तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। इशू के दौरान आप शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे, अब आप शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। मीन्स इसमें डेबिट होगा कितना? 700 शेयर कैंसिल करें इनटू मौका कहाँ तक मिला, यहाँ तक। उससे पहले बिना एसपीएल वाली वैल्यू, दैट इज 2 और यहाँ से 3 एंड यहाँ से 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7, 700 इंटू 7, जहाँ तक मौका मिला वहाँ से पहले बिना एसपीआर वाली वैल्यू, एक हो गई 2, एक हो गई 3 एंड एक हो गई ये 2, 700 × 7 कर दिया। अब एक और चीज़ डेबिट होती है, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। वो तब डेबिट होती है जो उनसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे करा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने कौन से वाला नहीं पे करा यहाँ पे, उसको ज़रा ध्यान से देखें। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एप्लीकेशन वाला तो पे कर ही दिया, क्योंकि बंदे ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। मीन्स अलॉटमेंट वाला एसपीआर नहीं पे करा, मीन्स 700 × 1 अलॉटमेंट वाला एसपीआर, जो एसपीआर हमने नहीं पे करा, 700 × 1, 2 जो पे कर दिया है, दैट इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर। और 2 जो नहीं पे करा, दैट इज कॉल्ड कॉल इन अरियर्स। तू जो नहीं पे करा, दैट इज कॉल्ड कॉल इन अरियर्स। बंदे ने क्या क्या नहीं पे करा, मीन्स किंग्सी ने एक तो 4 रुपये अलॉटमेंट वाले नहीं पे करे और ना ही 2 रुपये फर्स्ट कॉल वाली, मीन्स टोटल 6 रुपये नहीं पे करे। तो कॉल इन अरियर्स में आएगा 700 × 6, सो टोटल 6 रुपये किंग्सी ने नहीं पे करे, तो 700 × 6 आ जाएगा। और इसको आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा, याद रखना, शेयर फॉर फ्यूचर को हमेशा बैलेंसिंग फिगर लिख देना। और ये 4900 यहाँ पे 700 और इधर क्रेडिट में आ गया 4200 एंड यहाँ पे आ गया टोटल इन दोनों का 56 और इसका 4200। सो 5600 में से 4200 माइनस करेंगे, दैट इज 1400। तो इसको बैलेंसिंग फिगर कहते हैं शेयर फॉर फ्यूचर को। सो ये सिचुएशन वन थी कि किंग्सी ने शेयर लिए रिलायंस के और किंग्सी के 700 शेयर्स थे, किंग्सी अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और रिलायंस कंपनी ने उसको फाइनल कॉल का मौका ही नहीं दिया। पहले तो जहां तक का मौका मिला वहां तक हम बिग ब्रैकेट डालेंगे, उससे पहले बिना एसपीआर वाली वैल्यूज, उससे पहले बिना एसपीआर वाली वैल्यू है ये 2, ये 3 और ये फिर 2, टोटल हो गया 7, 700 × 7 करेंगे, मीन्स शेयर कैपिटल में डेबिट। यानी हम इशू के दौरान शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं, जब हम फोरफिट करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो वाला डेबिट करेंगे जो हमने नहीं पे करा। मीन्स एप्लीकेशन मनी तो हर किसी ने पे करी है, उसने क्या नहीं पे करा, ये अलॉटमेंट और ये फर्स्ट कॉल, मीन्स ये वाला एसपीआर नहीं पे करा होगा अलॉटमेंट वाला, इसलिए 700 × 1 करेंगे।
फिर कॉल इन अरियर्स में क्या करेंगे, जो नहीं पे करा मींस बंदे ने ना ये पे करी अलॉटमेंट किंगसी ने और ना ही किंगसी ने ये फर्स्ट कॉल पे करी, टोटल कितना नहीं पे करा, 6, सो 700 इंटू 6 आ जाएगा। सो मैंने आपको बोला शेयर फोर फीचर में हमेशा बैलेंसिंग फिगर होती है। सो ये हमारा सिचुएशन वन हो गया। अब सिचुएशन टू देखिएगा जरा ध्यान से। सपोज हम 10 रुपये का शेयर ले लेते, 3 रुपये का हम प्रीमियम ले लेते, सो 4 + 5 + 3 + 1 ऐसे हो क्या, हम 1 रुपया एप्लीकेशन में वसूल रहे, फिर 1 रुपये हम अलॉटमेंट में वसूल रहे एंड 1 रुपया ही हम फर्स्ट कॉल में वसूल रहे। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि SPR हम ऐसे वसूल कर रहे हैं। तो अब मिस्टर बी है, इसके पास 800 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, और इसने ना अलॉटमेंट पे करी ना इसने फर्स्ट कॉल पे करी ना इसने सेकंड कॉल पे करी, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे करी। सो इसने तीनों चीजें नहीं पे करी, यानी कंपनी ने इसको एंड तक मौका दिया, मींस इसने ना अलॉटमेंट पे करी, ना ये फर्स्ट कॉल पे करी, ना ये सेकंड एंड फाइनल कॉल पे करी, मींस कंपनी ने इसको एंड तक मौका दिया और फिर एंड मौका देने के बाद शेयर कैंसिल करे। इस सिचुएशन में ये है, मैंने आपको बोला जब भी हमारे शेयर कैंसिल होते हैं तो तब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, इशू के दौरान क्रेडिट करते हैं, तो फिर राइट ऑफ करने के दौरान जब फोरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। अब शेयर कैपिटल होगा डेबिट। अब शेयर कैपिटल में वैल्यू कितनी आएगी, 800 शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं तो 800 मल्टीप्लाई बाय मौका कहाँ तक मिला, मैंने आपको बोला था वहां पे बिग ब्रैकेट एंड तक मौका मिला, और उससे पहले बिना SPR वाली वैल्यू, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 3 = 10, सो 800 × 10 दैट इज 8000। फिर SPR हम डेबिट करते हैं जो उनसे SPR हमने नहीं पे करा, बंदे ने अलॉटमेंट नहीं पे करी, ये फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और ये सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, एप्लीकेशन मनी तो पे करी है बंदे ने, मींस इस बंदे ने कौन से वाला SPR नहीं पे करा, एक तो ये अलॉटमेंट वाला और एक ये फर्स्ट कॉल वाला, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें आएगा 800 × 2 और वो कौन सी वाली वैल्यू होगी जो हमने नहीं पे करी, हमने कौन से वाला SPR नहीं पे करा, एक तो ये अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी और एक हमने ये फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे करी और ये सेकंड कॉल मनी नहीं पे करी, मींस एप्लीकेशन मनी तो हमने पे करी है, मींस कौन से वाला SPR नहीं पे करा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 800 × 2 हो गया। फिर उसके बाद 2 शेयर फोर फीचर, इसका मतलब क्या, जो हमने पे कर दिया है वो फोरफिट होगा, जो हमने पे कर दिया, और इसको मैंने आपको बोला ही है इसको आप हमेशा क्या लिखा करें, बैलेंसिंग फिगर, और 2 जो नहीं पे करा उसका मतलब क्या, कॉल इन अरियर्स, और हमने क्या नहीं पे करा, मिस्टर बी ने क्या नहीं पे करा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ना ये 5 ना ये 3 ना ये 1, मींस टोटल मिस्टर बी ने 8 और 1 = 9 रुपए नहीं पे करे, तो कॉल इन अरियर्स में आ जाएगा 800 × 9, उसने टोटल 9 रुपए नहीं पे करे, ना ये अलॉटमेंट वाले ना ये फर्स्ट कॉल वाले ना ये सेकंड कॉल वाले, तो कॉल इन अरियर्स में जो नहीं पे करा होता, तो मेरे पास यहाँ पे डेबिट में आ गया यहाँ पे 8000, यहाँ पे 1600 और अब क्रेडिट में इधर 7200 और बैलेंसिंग फिगर शेयर फोर फीचर हो जाएगी, तो शेयर फोर फीचर में आ क्या जाएगा, 9600 - 7200, सो दैट विल बी 2400, सो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 2400 हो गई है। ये हमारी एंट्री सिचुएशन 2 हो गई है, शेयर जब हम कैंसिल कर रहे हैं। अब हम सिचुएशन 3 कर लेते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये सिचुएशन 1 हमने पहले करी, ये सिचुएशन 2 थी मिस्टर बी वाली, मिस्टर किंगसी वाली सिचुएशन 1 थी, अब हम थर्ड सिचुएशन करने वाले हैं। सिचुएशन 3 फोर फीचर की, 10 का शेयर था, 3 का प्रीमियम था और एप्लीकेशन मनी 4 की,
2+2 अलॉटमेंट बनी 5 रुपए की, 3+2 ये क्वेश्चन में दिया होगा, एंड 3 एंड 1। अब मिस्टर सी, इसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 900 शेयर थे और इस बंदे ने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं पे करी, दो चीज़ें नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं पे करी एंड उसके शेयर्स कैंसिल हो गए। मींस कंपनी ने मुक्का एंड तक दिया है, ठीक है, एंड तक मुक्का दिया, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, आपको पता ही है, क्योंकि जब भी हम शेयर कैंसिल करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होने वाला। उसका रीजन क्या है, हमने एक तो ये फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और एक ये सेकंड कॉल, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो वाला डेबिट होता है जो हमने नहीं पे करा। हम ये भी पे कर चुके हैं, ये भी मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे कर चुके हैं, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं करने वाले। टू, शेयर फॉर फीचर जो पे कर दिया, टू कॉल इन अरियर्स जो नहीं पे करा, टू कॉल इन अरियर्स जो नहीं पे करा, तो हमारे पास शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 900 शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं, 900 शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं, मौका एंड तक मिला, मींस जहां तक मौका मिलना है वहां पे हमने क्या कर देनी है, बिग ब्रैकेट्स डाल देनी है, मौका एंड तक मिला तो यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स डाल देंगे। इससे पहले बिना एसपीआर वाली वैल्यूज, ये कह रही 1+3 4+3 7+2 9, 900 × 9 दैट इज 8100। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फीचर, कॉल इन अरियर्स मींस जो नहीं पे करा है, और बंदे ने क्या नहीं पे करा है, एक ये फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और एक ये सेकंड कॉल नहीं पे करी, 900 × 4, और यहाँ पे 3600 आ जाएगा, और 8100 में से 3600 माइनस करेंगे तो 8100 माइनस 3600 दैट इज 4500। सो ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 4500। सो मैंने तीन सिचुएशंस ही होती हैं शेयर फॉर फीचर की, तीनों सिचुएशंस कवर कर दी हैं, एंड बैंक अगली एंट्री होगी हमारी रीइशू वाली, वो रीइशू वाली एंट्री समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करें।